हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 3rd सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे मेमोरी बेस्ड। और ये पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है और इसके दो तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो उनमें से एक तरीका समझते हैं। एक कि आपको हिंट दे दूंगा कि ऐसे ट्राई करना है। सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑन द लाइन दिस एंड इट टचेस द लाइन एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 2। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल का सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है और सर्किल एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 2 को टच कर रहा है। ठीक, तो अगर सर्किल किन्हीं दो लाइन को टच करता है तो सर्किल का सेंटर उन लाइंस के जिनको वो टच कर रहा है उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लाई करता है। तो एक काम करते हैं कि इन लाइंस का एंगल बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। तो x माइनस 3 का मॉड, एंगल बाइसेक्टर आपको होपफुली निकालना आता होगा, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y माइनस 2, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2, या फिर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस y। तो देखो यहां से तो इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो सेंटर इस लाइन पर भी लाई कर रहा है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, तो दोनों पे तो लाई कर नहीं सकता। तो यानी कि सेंटर एक इस लाइन पे लाई कर रहा है और दूसरी जो लाइन यहां से आएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो सेंटर इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, सेंटर गिवन लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो यानी कि सेंटर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अपने को मिल जाएगा। तो इनको सॉल्व करोगे तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बाई 2 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे, वैसे जरूरत नहीं है उसकी, तो y बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 बाई 2। तो सेंटर आ गया 3 बाई 2 कमा 1 बाई 2। ठीक, अब रेडियस कैसे निकाल सकते हो? रेडियस निकाल सकते हो कि सेंटर से किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, किसी भी टेंजेंट लाइन से। तो रेडियस क्या हो जाएगा? x माइनस 3 से 3 बाई 2 कमा 1 बाई 2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 से 3 बाई 2 माइनस 3 का मॉड। तो रेडियस कितना आ गया? 3 बाई 2। तो डायमीटर पूछा है क्वेश्चन ने, तो डायमीटर कितना आ जाएगा? 3 यूनिट्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो दो टेंजेंट हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,2 है, तो ये 3,2 डायरेक्टर सर्किल पर लाई कर रहा होगा, तो उससे भी आप इस क्वेश्चन की थीम बना सकते हो, लेकिन ये भी तरीका ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है।